3825 का गुणनखंड कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या है पहले समझिए। गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या को अपना अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में रखना। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, इसके जगह आपको कोई दूसरी संख्या भी मिल जाएगी ना, तो भी गुणनखंड कर पाएंगे, क्योंकि हम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वह संख्या 2 से विभाज्य रहती। क्या है 2 से विभाज्य? है नहीं है। 3 का चेक कर लो, नियम लगा दो, डिवाइड करके चेक करेंगे बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ट्रिक से अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, यानी 3 से विभाज्य। 18 3 से विभाज्य, मतलब ये 3 से विभाज्य भाग गया 1 बार, 2 बार, 7 बार और 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, यस, कितना? 4 3 12, 32 है, 5 3 15। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? 6 नहीं जा रहा इसमें, लेकिन 5 का भाग जा रहा है, कितना? 8 2 50 40, 5 2 25। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है कितना? 1 बार, और 7 2 50 35, 17 बार। 17 आपको आगे देखेंगे तो 11 13 17 19, ये आगे के प्राइम नंबर है, तो 17 में 17 का डिवाइड आपका 1 बार। तो हमारा 3825 के गुणनखंड क्या आ गए? ये गुणनखंड आ गए, 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। और 17 आपका 1 बार है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 बार है तो 5, 2 बार है तो 5 की घात 2, 17 1 बार है, 17 की घात 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमने बहुत आसानी से जो अपना 3825 के गुणनखंड करने सीखे।